वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साबुदाना वड़ा। साबुदाना वड़ा के लिए मैंने लिया है साबुदाना। ये 250 ग्राम साबुदाना है जो मैंने भिगोकर रखे थे 4 से 5 घंटे के लिए। साथ में जाएंगे हमारे 2 मीडियम साइज के आलू जो मैंने मैश किए हुए हैं। आधा कप हमारी जाएगी रोस्टेड पीनट्स जो क्रश किए हुए यानी पीस लिए मैंने क्रश। 1 टीस्पून हमारा जाएगा ग्रीन चिली का पेस्ट या कुटी हुई ग्रीन चिलीज। 1 टीस्पून हमारी जाएगा जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, ये सेंधा नमक है। 1 टेबलस्पून हमारा जाएगा धनिया। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे हमने भिगोए हुए साबुदाना को। आपके साबुदाना भिगोने के बाद ऐसे बिल्कुल मैशी हो जाने चाहिए। इसमें डालेंगे हम आलू, हमारा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आज हम एक पीनट की चटनी भी बनाएंगे। हमारे पीनट्स, हरी मिर्च, धनिया और हमारा जीरा, इन सबको आपको 5 मिनट तक अच्छे से नेड करना है। ये इसकी मेन ट्रिक है। ये हमारा हो गया डो, इसको हम रख रहे हैं साइड में। यहाँ हमने अपना ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। ये जो वड़े हैं अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएंगे, लो फ्लेम पे नहीं, अदरवाइज ये घी पिएंगे बहुत ज्यादा। इतना हमारा तेल गर्म हो रहा है, मैं अपने इस बैटर को या डो को हम ढक के रख रहे हैं और हम कर रहे हैं अपनी चटनी की तैयारी। पीनट चटनी के लिए हम ले रहे हैं 1/4 कप हमारी पीनट्स यानी कि मूंगफली रोस्टेड। 1 टीस्पून हमारा जाएगा हरी मिर्च, आधा टीस्पून जीरा, 1/3 कप हमारी जाएगी दही और थोड़ा सा नमक। एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे दही, हमारी रोस्टेड पीनट्स, हरी मिर्च और टेस्ट के लिए नमक। जो जीरा है इसका हम तड़का लगाएंगे लास्ट में। ये हमारी चटनी पीस के रेडी है और इसमें लगाएंगे हम तड़का। ये मैंने ऑयल गरम किया अपने तड़के के लिए। ये ऑयल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम अपना जीरा और ये तड़का डालेंगे अपनी चटनी में। और ये हमारी पीनट चटनी रेडी है व्रत में खाने के लिए। आपके हमारी पीनट चटनी रेडी है और यहाँ पे हमारा ऑयल भी होना शुरू हो गया गरम। अब हम बनाएंगे अपने साबुदाना से बड़े। थोड़ा सा हम लेंगे बैटर और इसको फ्लैट करेंगे। हमें अपनी साइड्स थोड़ी ज्यादा पतली करनी है, बीच का हमारा सेम रहेगा। अगर ये आपको स्टिकी लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं अपने हाथ पे। जिस भी साइज के आपको बड़े बनाने हैं, बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने, वो आपका वो है। थोड़ा सा अपने तेल में डाल के देखेंगे कि हमारा तेल हो गया। अगर ये हो गया, देखिए ये ऊपर आ गया साथ के साथ, तो अब इसमें हम अपने बड़े फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई पे। इसमें डाल रहे हम अपने बड़े। ऐसे अब अपने सारे बड़े बना के फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। हमारे बड़ों ने हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये हमारे बड़े हो गए हैं, इनको निकाल रहे हैं हम। ऐसे आप अपने सारे बड़ों को तल लेंगे। ये हमारे बड़े रेडी हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।